Hey guys, welcome back to Sunita D Vlogs. आप सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में. आई होप आप सब ठीक हो. आज हम जाने वाले हैं हमारे खेतों में. मैं आज आपको हमारे खेत दिखाऊंगी. हमारे खेत में ना इस वक्त सनफ्लावर्स जो है ना उनको काटने का काम चल रहा है कि वो पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं. तो हमने सोचा कि हम जाएंगे और मौसा जी की थोड़ी सी हेल्प करेंगे. और वो सुबह ना सिर्फ नाश्ता करके चले गए हैं तो उनके लिए हमें खाना भी ले जाना है. तो हम उनके लिए खाना भी ले जाएंगे. माँ खाना रेडी है ना? ये देखो इसको लेके जाओगे. होगा वो जाने के लिए, वो पानी वगैरह भरने के लिए है. उनको तो आज बहुत काम लगाने वाली हूँ मैं, क्योंकि जब से यहाँ पे आए ना इतने लेजी हो गए हैं कि काम को भूल ही गए हैं वहाँ पे. तो इनको तो मैं सबसे ज़्यादा काम कराऊंगी. बच्चों के साथ भी जाएंगे. बच्चे ओए कोई नहीं है, वो गए वो लोग, ये अंदर है. इनको भी साथ ले जाऊंगी. सो चलो फिर मैं मिलते हूँ रास्ते में. थोड़ी देर में निकलेंगे. मेरा दुपट्टा कहाँ है? माँ खाना रेडी है ना? टिफिन माँ ने खाना बना के खाना रेडी रखा हुआ है तो हम लेकर जाएंगे मौसा जी के लिए. सो चलो फिर चलते हैं. बेबी कैसा लग रहा है आपको? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है. पहले कभी गए हो खेतों में? नहीं, पहली बार है ना? हाँ, पहली बार मैं खेत में जा रहा. देखो ये आए बाइक से पीछे. जाओ जाओ बाय. मैं तो सच में थोड़ी सी धूप है. क्या वो हम लोग उन वो खेते में काम करते हैं ना, उनको सच्ची में काम करने के लिए ले जा रहे हैं. हाँ, उनके साथ हम भी काम करेंगे. हाँ आप करोगे? मैं भी करूँगा. क्या करोगे? आपकी बस की तो है नहीं शायद, मेरे भी बस की नहीं है. हम सिटी वालों की बस की तो बिल्कुल भी नहीं है. जो खेतों में काम करते हैं बहुत सालों से, नीचे देखिए चलो नीचे, बहुत सालों से जो खेतों में काम कर रहे हैं ना उन्हीं के लिए अच्छा है. हमसे तो नहीं होगा, बट स्टिल वी गोना ट्राई. हम कोशिश करेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे. थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही देंगे आज, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? हेलो गाइस, अभी हम लोग हैं रोड पर और हमारा खेत बसाने वाला है. और ये रही मम्मी. और सामने हमारा खेत है, बसाने ही वाला है. थोड़ा बहुत आने वाला है, बसाने ही वाला है ऑलमोस्ट. बस बस बहुत हो गया, चलो बंद कर दे. पहुंच गए हम खेत पे. यही है ये जो खड़ा हुआ है. हाय. अरे कितनी बार हाई करोगे? मैं बहुत बार हाई करता हूँ. नहीं करना चाहिए इतनी बार. इसी खेत में हमारे सनप्लास थे, उतने बहुत सारे काट दिए उन्होंने. तो हमें लगा था थोड़ा ही काटे होंगे. ये देखो पीछे ये काट के सनप्लास को जमा कर दिया ऑलरेडी उन्होंने. लेकिन यहाँ पर सूर्यपान नहीं है. यही तो है. क्या सूर्यपान? सनप्लास हमारे लैंग्वेज में सूर्यपान बोलते हैं इनको. जब सूख जाते हैं ना तो ऐसे हो जाते हैं. हाँ सी, ये सूर्यपान की खेती थी पूरी की पूरी, जिसको क्योंकि ये इनका हो गया है टाइम इनका काटने का, सूख गए. सूर्यपान बीज है ना, ये सूखने के बाद ये निकलते हैं. ओ ये पहले जो बोया जाता है ना सूर्यपान को, इनके बीज बोए जाते हैं, उसके बाद पहले तो वो फूल जैसे होते हैं छोटे छोटे, धीरे 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 बढ़ के ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सूखे हुए हैं ना, ये येलो कलर के जो पेटल्स होते हैं ना, पत्ते जैसे होते हैं, वही है, सूख गए हैं. जैसे जैसे बड़े होते हैं पूरे भर जाते हैं और उसके बाद ये जो होते हैं ना ये बीज है. और इन्हीं से ना इनको छील कर मशीन में, ये जो देख रहे हैं ना आप वाइट कलर का, इसका बनता है तेल. यही है सनफ्लावर. इसी में से इन्हीं को तेल निकाला जाता है, इनका ही तेल निकाला जाता है. अभी इनको सिर्फ काट के रखा हुआ है, शाम को मशीन आएगी और फिर इसमें जो ये जो बीज है ना, बीज सेपरेट और ये जो उनका बाहर का है ना वो सेपरेट हो जाएगा. मशीन में करते हैं उसको, बोला है शाम तक आ जाएगी, पता नहीं कब आएगी. ये देखो काम कर रही है. हाय काटा चका देखा तो क्यों काटा था? क्यों काटा देखता? कैसे काटते हो दिखाओ. ये ऐसे काटते हैं. अच्छा सुबह से काटने में लगी हुई है.
लेना गलत है। काट काट के इसमें डालते हैं झोली में, काटो और इसमें डालो, इसमें डालो और फिर इस झोले में से थैले में भरो और वहाँ पे एक जगह पे जाके तो हम जाएंगे घर। गाइस हमने देख लिया हमारे खेत खलियान सब सनफ्लावर्स के खेत, क्या बोलते हैं मक्का मक्के यानी भुट्टे कॉर्न के खेत भी हमने देख लिए। बेबी कुछ कहना है? हाँ बोलो, मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे खेत कैसे लगे कमेंट में जाकर जरूर बताना कमेंट में जाके जरूर बताना।